परंतु आचार्य, हम धन से तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धन पर तो अब सिकंदर का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ही धन चुराना पड़ेगा महाराज। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। किंतु जिन्होंने बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया हो ऐसों से अपना ही धन चुराने में कैसा पाप, विशेषकर तब जब वो अपनी ही मातृभूमि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो ही नहीं सकती ऐसी चोरी पाप। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान, भविष्य अपने आप संवर जाएगा।